रुमाल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए इसे मैदा। चलनी से छान लें। अब इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, चम्मच बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर। अब पिसी हुई चीनी, इसे चलनी से छान लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, खस्ता करने भर का रिफाइंड तेल डालेंगे इसमें, सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे दूध की मलाई, चम्मच केवड़ा वाटर। अब इन सबको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे, अच्छे से मल के इनको मिला लेंगे। अब इसमें दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार हो गया है, अब ऊपर से दूध डालकर इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब एक कटोरी में ले लेंगे दूध, उसमें डालेंगे फूड कलर, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तिल ले लेंगे ऊपर से लगाने के लिए। 30 से 40 मिनट हो गए हैं, डो को अच्छे से हाथ से मैश कर देंगे। ये छोटी छोटी लोई बनाकर गोल बेल लेंगे। इसमें फोक से छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। ऊपर से दूध में जो कलर मिलाकर रखा था उसको अच्छे से लगा देंगे। ऊपर से तिल डाल देंगे, इसे 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, ये सिरमाल फूल गई है अच्छे से। अब घी या तेल डालकर इसे आगे पीछे से सेक लेंगे। सिरमाल अच्छे से सेक गई है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरह बाकियों को भी तैयार कर लेंगे। सिरमाल तैयार है।